हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। आ गई है अनामिका जी। अनामिका जी आई है तिलक नगर से। इनके हेयर पे स्मूथनिंग करी थी, देख लो रिजल्ट। ये देखो पफ बना दिया यहाँ पे पफ। ये देखो स्मूथनिंग, कितने दिन हो गए अनामिका जी स्मूथनिंग कराए? थ्री मंथ्स। अब ये ग्रो हुआ है, इतना बर्न आउट हो गया। कैसे हुआ, क्या किया, ऐसा क्या करवा लिया? ये सारा ही ब्रेकेज है मैडम। ये इधर से भी है, आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, दिख रहा है? ये ठीक है। तो ये एक्सेस में बर्न आउट हो गया मैडम। कैसा फेस कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही, इतने छोटे बाल हो गए हैं। ये देखो भाई, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। स्मूथनिंग बहुत तरीके से करनी है। जिन्होंने भी करी, आप बता रहे कि हीट दे दी थी, उसके बाद हीट कर देते हैं। तो स्मूथनिंग में ऑलरेडी हीट होती है और रूट्स पे तो लगाना नहीं होता। अगर आप रूट्स पे लगा रहे हैं तो उस पर हीट मत दीजिए। रूट्स ऑलरेडी हॉट होती है, आपकी स्कैल्प की हीट होती है, वहां पे कलर भी जल्दी आता है। ऊपर से जब स्मूथनिंग लगा रहे हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर जो केमिकल है वही अमीनोथायोग्लाइकोलेट, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है। तो उसको क्वांटिटी देख के लगाइए। उसके बाद आप स्कैल्प पे लगा रहे हो, उसके बाद उस पर हीट भी दे रहे हो, ड्रायर वगैरह कर रहे हो, तो वो ओवर प्रोसेस होकर बाल बिल्कुल जल जाएगा और ये हालत हो जाएगी। देखो ठीक है, अब ऐसे है तो। और ये यहां पे भी हो गई है, पूरे देखो बैंड दिख रहा है आपको पूरा, ये देखिए लाइन दिख रही होगी आपको, ये यहां से सारे बाल टूटने लगेंगे अब। ठीक है, तो अब इन हेयर को रिकवर करेंगे। यहां से इनका जो बॉन्ड है ना, वो बिल्कुल क्रैक हो गया है एक जगह से, पर्टिकुलर जगह से। ऐसे में हेयर शाइनर जो है काफी काम आता है। हेयर शाइनर लगा सकते हैं हम। इधर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ कहां से टूटे हुए हैं। दिखाओ हेयर कहां से टूटे हुए हैं। यहां से जो टूटे हुए ना हेयर, तो ये चीजें हमें हेयर शाइनर काफी काम आता है। हेयर शाइनर एज यूजुअल आपको जो मैं दिखाता हूँ, ब्लू ब्लू जो देखते हो, शेक करके आपको बाउल में लेना है, ऐसे करके नॉर्मल। ठीक है, और उसको स्टेप टू स्टेप, डैप टू डैप करके लगाना है। ये बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा रिकवर देगा आपको हेयर को। अब दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है, देखते रहिए, आपको स्टेप टू स्टेप दिखता रहेगा। ओके, take it out of queue, and this sense can be a young man's game. Signed up.
गाइस देखिए प्रोसेस पूरा हो गया है, ये जो हेयर थे टूटे हुए जले हुए इनके अंदर मॉइस्चर आके थोड़े सेटल डाउन हो गए हैं। इस पे कोई हमने प्रेसिंग नहीं करी है वॉश के बाद, जैसे आपको स्टेप टू स्टेप प्रोसेस दिख रहा था जस्ट एक ब्लास्ट ड्रायर है, उसके बाद ये रिजल्ट है। मैम जब ऐसा खींच रहे थे गुच्छे में बाल आपके हाथ में आके, बाद करके देखना एक दो तो आई रहेगा खैर, लेकिन बाकी ठीक है जैसा देख पा रहे, एक भी नहीं आ रहा है। अगर एक आधा आप जाए तो वो तो नेचुरल होता ही हेयरफॉल, लेकिन अभी एक भी नहीं आ रहा मैडम के हाथ में, ये रिजल्ट है पहले से। अब इस पे धोने के बाद कोई प्रेसिंग करी हमने? नहीं, प्रेसिंग भी नहीं करी, बस सुखाए हैं बालों को। ये देखिए क्योंकि ये तो थोड़ा सा जो स्टेट आ रहा है वो पहले मैम ने स्मूथनिंग से जले थे उसका स्टेट है, थोड़ा बहुत जो भी स्टेट है ये देखिए ठीक है। बाकी रिजल्ट ठीक लग रहा है पहले से एक बार ही भाई, इसकी आपको एक मिनट रुकना, 3 से 4 सेटिंग लेनी है। ये देखिए मैडम के, मैडम से पूछ लेते हैं थोड़ा कैसा लगा मैडम बताइए। अच्छा लग रहा है मेरे को। कितना अच्छा लग रहा है बताइए, अब बताइए। काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले ना मैं ऐसे करती थी तो बाल काफी सारे हाथ में आते थे, अभी तो फिलहाल एक भी नहीं आ रहा है। फिर भी एक दो आएगा तो अलग बात है, लेकिन अभी एक भी नहीं आ रहा मैडम कह रही है ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इसकी 3-4 सेटिंग लेंगे आप हेयर शाइनर की, इसके अंदर ये बोन को भी बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, शाइन भी करता है। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, पीस टू हेयर सैलून।